हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इस शेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। 1943 में निर्मित महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड वित्तीय गतिविधियों और अन्य संबंधित सेवाओं में संलग्न है। अब थोड़ा सा इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें कि देखते हैं इसका मार्केट कैप 226 करोड़ का और करेंट प्राइस 160 रुपया, बुक वैल्यू 326 रुपया। अपने बुक वैल्यू से लगभग 50% नीचे में ट्रेड कर रही है ये शेयर। स्टॉक पी 0.66 का और आरओसी 120% का और आरओई 120% का। आरओसी और आरओई काफ़ी बेहतर है इस स्टॉक का, तो ये पक्का ध्यान में रखेंगे श्रोतागण। 52 वीक का हाई लो 184 रुपया और 101 रुपया, डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं और फेस वैल्यू 10 रुपया। ये मैं इस शेयर का मैक्सिमम चार्ट को देख रहा हूँ स्क्रीन पर, जो कि वेबसाइट का नाम है screener.in। इस पर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि इस शेयर में अप ट्रेंड बनी थी, फिर से लो ट्रेंड बनी है और जैसा इसका रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से इसमें फिर से अप ट्रेंड बनेगी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। इस शेयर में प्रोज 5 और कॉन्स 2 हैं। प्रोज देख लेते हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कि डेब्ट को कम कर रही है। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है कंपनी, ऐसा इसमें लिखा गया है। तीसरा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.49 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 0.49 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है ये शेयर। और चौथा है, कंपनी हैज डिलीवरीड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 147% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। पांचवा है, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 52.8%। तो इस तरीके का 5 प्रोज है और कॉन्स देख लेते हैं। जैसा कि द कंपनी हैज़ डिलीवरेड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -1.70% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि लास्ट जो बीता है 5 साल, उसमें -1.70% सेल्स ग्रोथ रहा है, जो कि काफ़ी धीमा है। और दूसरा है, अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ₹343 करोड़, यानी कि 343 करोड़ का अदर इनकम जो कि इंक्लूड किया है अर्निंग में। पीयर कंपैरिजन के मामले में देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी है, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोलामैन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, HDFC AMC। आठवें नंबर का ये कंपनी है महाराष्ट्र एपेक्स, जिसका कि यहाँ पर प्राइस शो हो रहा है 159.50 रुपया और PE रेशियो जो कि PE बता रहा है यहाँ पर 0.66, तो काफ़ी लो PE है इस शेयर का। तो ये शेयर पक्का ध्यान में रखें, खासकर
उन इन्वेस्टरों के लिए है जो कि नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं मेरे हिसाब से। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अब एक नज़र डालते हैं मार्च 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेल्स 7 करोड़ का, एक्सपेंस मात्र 1 करोड़ का है। लेकिन दिसंबर 2023 में सेल्स 1 करोड़ का था और एक्सपेंस 91 करोड़ का था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था माइनस में 90 करोड़ का। बट मार्च 2024 में 6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 82% और अदर इनकम काफ़ी अच्छा है इस शेयर में, जो कि आपको दिख रहा होगा कितना है, तो 429 करोड़ का अदर इनकम है। तो अदर इनकम में एक चीज़ देखना चाहिए कि अदर इनकम नॉर्मल में है या अदर और कुछ में। तो अदर इनकम नॉर्मल में ही काफ़ी अच्छा है, जो कि 428 करोड़ का है, और एक्सेप्शनल आइटम से 1 करोड़ का है मात्र। तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं है मेरे आइडिया अनुसार, मेरे समझदारी के अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 434 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 433 करोड़ का, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर 306.22 रुपया। अगर इस तरीके का, अगर इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट रहा आगे भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये शेयर 160 के करीब में ट्रेड करेगी। कुछ ही दिनों में ये 200 को पार कर जाएगी। इस शेयर में एक नज़र यहाँ पर भी डालना चाहिए, जहाँ की मार्च 2024, मार्च 2023, मार्च 2022, इस तरीके से सेल्स जो है इसका किस तरीके का है। तो मार्च 2024 और मार्च 2023 में 9 करोड़ का सेल्स है, लेकिन जहाँ पर एक्सपेंस मार्च 2023 में 57 करोड़ का है, वहीं पर मार्च 2024 में मात्र 4 करोड़ का है। तो पिछले साल मार्च 2023 का जो रिजल्ट आया था उसके अनुसार ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में 48 करोड़ का है, जबकि मार्च 2024 में 5 करोड़ का प्लस में है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस शेयर के लिए। अब देखते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम 343 करोड़ का हुआ, जिसके वजह से ही इसमें रिजल्ट जो आया बहुत ही बेहतर, यानी कि प्रॉफिटेबल रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, जिसके वजह से EPS यहाँ पर 244.81 रुपया, जबकि पिछले साल माइनस में 29.60 रुपया था। बट उससे पहले कई वर्षों तक प्लस में ही रहा रिजल्ट। तो ये सब देख करके आइडिया लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट वर्षों में, यानी कि 2025-2026 में कैसा रहेगा इसका रिजल्ट। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अभी शेयर का बैलेंस शीट देखते हैं मार्च 2024 के अनुसार। तो इक्विटी कैपिटल 14 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में काफ़ी अच्छा हो चुका है, जो कि 447 करोड़ का हो चुका है, जहां पर कि एक समय था मार्च 2013 में माइनस में 84 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके मार्च 2016 तक में 87 करोड़ का माइनस में रहा। फिर उसके बाद में इसका समय बदला और मार्च 2017 से प्लस में आ गया इसका रिजर्व 23 करोड़, उसके आगे 77 करोड़, 87 करोड़, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में
एक समय आया कि मार्च 2022 में 136 करोड़ इसके पास में रिजर्व था, फिर मार्च 2023 में मात्र 99 करोड़ का रिजर्व रह गया, यानी कि घटा था थोड़ा। फिर अभी मार्च 2024 के अनुसार, रिजल्ट के अनुसार, अब इसके पास में रिजर्व 447 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस शेयर के लिए, इस शेयर का प्राइस के लिए भी। इस शेयर का इन्वेस्टमेंट जो कि अब 519 करोड़ का हो चुका है, जो कि एक समय था कि मात्र 19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा करता था, लेकिन अभी के समय में 519 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो इतनी छोटी सी कंपनी के लिए इतनी बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। मैं तो मानता हूँ कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है, बाकी आप लोग देख लीजिए अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, यानी कि ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए। अब एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जून 2021 से लेकर के लगभग अभी तक, यानी कि पूरा प्रत्येक क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग एक फिक्स परसेंटेज पे है, जो कि 62.54% है, ना ही घटा है और ना ही बढ़ा है। और DIH का मात्र इसमें 0.01% है, जो कि जून 2021 से लेकर के मार्च 2024 तक सेम ही रहा है। और पब्लिक का भी सेम ही है एक तरह से अगर देखा जाए तो, लेकिन पॉइंट में 0.01% अप एंड डाउन हुआ है थोड़ा बहुत, जो कि इस वेबसाइट पे दिख रहा है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो जून 2021 में 10,305 था, वहीं पे अभी बढ़ करके मार्च 2024 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 10,834, यानी कि शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बढ़ा है। उतनी मात्रा में नहीं, लेकिन फिर भी ये शेयर का प्राइस जिस लेवल का है उसके हिसाब से बहुत अच्छा बढ़ा है, और आगे भी इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप सभी देख लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो आप लोग अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस शेयर में। मैं वीडियो ओनली वन नॉलेज पर्पस के लिए बनाता हूँ। इसमें लास्ट अपडेट न्यूज़ है 29 मई 2024 का, जो कि अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR चेंज इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का चेंजिंग किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर नागराजन शिवराम कृष्णन एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके का न्यूज़ है, तो ऐसे न्यूज़ के वजह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बनता है शेयर में, बट जिस शेयर में पॉजिटिव रिजल्ट आता रहे और आगे भी अगर रिजल्ट आए तो उस शेयर में इन्वेस्टमेंट से कतराना नहीं चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अब थोड़ा एक नज़र डालते हैं महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 159.90 रुपया BSEIndia.com वेबसाइट पे है। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं डिलीवरी पोजीशन, जो कि ट्रेड डेट 3 जून 2024 16:00 बजे का है। क्वांटिटी ट्रेडेड 13,968, डिलीवरी क्वांटिटी 9,167, डिलीवरी परसेंटेज रहा 65.63%। तो काफ़ी अच्छा है ऐसे शेयर के लिए डिलीवरी परसेंटेज। NSE की वेबसाइट पे इस शेयर का प्राइस 160 रुपया है, जो कि लो ट्रेंड बनाया था इस शेयर में आज के दिन, यानी कि 3 तारीख
जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे में इसमें लो ट्रेंड बना था। बाकी इसमें अभी भी सेल ऑर्डर लगा हुआ है 159.50 रुपया पे, क्वांटिटी है 454। तो मेरे आइडिया अनुसार अगले दिन भी इसमें थोड़ा सा लो ट्रेंड बनेगा, लेकिन फिर से अप ट्रेंड बनेगी। कारण 2024 का लोकसभा चुनाव का जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट 4 तारीख को घोषित होने वाला है, तो उसको लेकर के हो सकता है क्या, मेरे आइडिया अनुसार 80% चांस है कि इसमें अप ट्रेंड बनेगी और 20% चांस है कि इसमें लो ट्रेंड बनेगी। लो ट्रेंड कम ही चांस है, बनेगी भी तो कुछ समय के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं रहता है, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शेयर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।